हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर डेयरी इंडस्ट्री पार्ट 4 नंबर वीडियो है। तो शुरू करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन फार्म एनिमल्स। मतलब ये जो फार्म एनिमल्स होता है उसका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इट इज़ द डिलीबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू ए फीमेल्स यूटरस और सर्विक्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ए प्रेगनेंसी थ्रू द इनविट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड बाय मीन्स अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब ये एक डिलीबरेट इंट्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, फीमेल्स का जो यूटरस होता है और नहीं तो जो सर्विक्स होता है उसके अंदर जो मेल का स्पर्म्स होता है उसको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और ये प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं थ्रू इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, उसको अवॉइड करने के लिए इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। इट इज़ ए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन एंड इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन एनिमल ब्रीडिंग इंक्लूडिंग डेयरी कैटल एंड पिग्स। ये एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है, मेनली इसको ह्यूमन के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ साथ एनिमल ब्रीडिंग के लिए ये यूज़ किया जाते हैं। मेनली ये डेयरी कैटल और उसके साथ साथ पिग्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव एनाटोमी, द यूटेराइन बॉडी इज़ द एरिया बिटवीन द इंटरनल सर्वाइकल एंड द इंटरनल यूटेराइन बाइफर्केशन। मतलब ये जो यूटेराइन बॉडी होता है वो एक एरिया होता है इन बिटवीन इंटरनल सर्वाइकल एंड इंटरनल यूटेराइन बाइफर्केशन। इन मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम रेडियोग्राफ्स ऑफ 580 रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स दिस डिस्टेंस एवरेज 5/8 ऑफ एन इंच। मतलब रेडियोग्राफ्स के अंदर हम ये देख सकेंगे और मेजरमेंट कर सकेंगे क्योंकि हम 580 रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर ये मेज़र किए हैं, क्योंकि इसका जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो 5/8 ऑफ एन इंच के आसपास होता है। 2/3 ऑफ द ट्रैक्ट हैड ए यूटेराइन बॉडी लेंथ बिटवीन 3/8 एंड 7/8 ऑफ एन इंच। मतलब ये जो यूटेराइन ट्रैक्ट का जो लेंथ होता है वो नेचुरली बॉडी वो नेचुरली इसका जो लेंथ होता है वो टोटल ट्रैक्ट का 2/3 होता है। मतलब इसका जो मेज़रमेंट होता है वो 1 इंच का 3/8 और 1 इंच का 7/8 का बराबर होता है। While palpating the reproductive tract to find the landmarks for insemination, the inseminator usually obtain an idea of the overall size of the reproductive tract. मतलब जो reproductive tract के अंदर जो palpating होता है उसके time पे जो landmarks होता है उसको properly find करने के लिए artificial insemination के time पे उसको properly find करने के लिए ये reproductive tract का जो overall size होता है इसको measurement करने के लिए ही mainly इसको यहाँ पे use किए जाते हैं। यहाँ पे टारगेट फॉर इंसेमिनेशन प्लेसमेंट बॉडी ऑफ यूटेरस का पिक्चर दिया हुआ है, आप ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीमेन कलेक्शन मेथड्स, वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सीमेन हैव बीन डिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे सीमेन कलेक्शन का जो वेरियस मेथड्स होता है वो एक से बढ़कर एक होता रहता है और ये टाइम से टाइम डेवलप किए जाता है। एट फर्स्ट मेथड इज़ आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। द आर्टिफिशियल वेजाइना हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो आर्टिफिशियल वेजाइना होता है उसका कुछ फॉलोइंग पार्ट्स होता है, वो क्या होता है, ए हेवी हार्ड रबर दैट इज 2 इंच लॉस ओपन एट बोथ एंड्स विथ ए नोसल फॉर एयर एंड वाटर इन एंड आउटलेट। मतलब यहाँ पे एक हेवी हार्ड रबर होता है जो 2 इंच लॉस होता है और यहाँ पे एयर और वाटर इनलेट और आउटलेट करने के लिए नोसल भी होता है। इनर स्लीव ऑफ रबर और रबर लाइनर, यहाँ पे रबर लाइनर और नहीं तो इनर स्लीव ऑफ रबर होता है। द सीमेन रिसीविंग कोन और रबर कोन, और इसके साथ साथ यहाँ पे सीमेन रिसीविंग कोन और रबर कोन भी रहता है। सीमेन कलेक्शन ट्यूब मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ग्रेजुएटेड इन सीसी एंड इट्स फ्रैक्शन करेक्टेड टू 0.1 cc। यहाँ पे जो सीमेन कलेक्शन टैंक होता है, यहाँ पे जो सीमेन कलेक्शन का ट्यूब होता है वो ग्लास से और नहीं तो प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं और इसका जो फ्रैक्शन होता है उसको 0.1 cc पे करेक्ट किए जाते हैं। प्रोसेस, इंसुलेटिंग बैग, बिफोर यूजिंग फॉर सीमेन कलेक्शन ऑल द पार्ट्स आर वॉश्ड थॉरली एंड स्टेरिलाइज प्रॉपरली एंड असेंबल्ड एज आर्टिफिशियल वेजाइना। मतलब यहाँ पे जो सीमेन कलेक्शन का ट्यूब होता है उसको यूज़ करने के पहले उसको प्रॉपरली वॉश किए जाते हैं और उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज किए जाते हैं और इसको असेंबल्ड किए जाते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना की तरह। द रबर लाइनर इज इंसर्टेड इन टू द होस, यहाँ पे जो रबर लाइनर होता है उसको एक होस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। इन्वर्टिंग बोथ एंड्स बैक बाई फोल्डिंग बैक फ्रॉम आइदर साइड ओपनिंग, और यहाँ पे जो
बोथ एंड होता है, आइदर साइड का जो ओपनिंग होता है उसको फोल्ड किए जाते हैं एंड फैस्टनिंग विद रबर बैंड, और उसके बाद उसको रबर बैंड से फैस्टनिंग किए जाते हैं। नाउ द स्पेस बिटवीन द हार्ड रबर होज एंड इनर रबर लाइनर फॉर्म्स ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट, और उसके बाद वहाँ पे जो स्पेस होता है हार्ड रबर होज के अंदर और इनर रबर लाइनर के अंदर वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट तैयार करते हैं। द नोसल एट वन एंड ऑफ द होज कैन बी फिक्स्ड, और यहाँ पे जो होस होता है वहाँ पे वन एंड के तरह एक होस होता है और उसको नोसल के साथ साथ फिक्स किए जाते हैं। द वाटर जैकेट ऑफ द आर्टिफिशियल वजाइना इज फिल्ड विद हॉट वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस और 113 डिग्री फारेनहाइट बाई ओपनिंग द नोसल, और यहाँ पे जो वाटर जैकेट होता है वहाँ पे जो नोसल होता है उसको ओपन करके उसके अंदर 45 डिग्री सेल्सियस और नहीं तो 113 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर का वाटर वहाँ पे रखे जाते हैं। द ग्रेजुएटेड सेमेन कलेक्शन ट्यूब इज फिक्स्ड टू द नैरो एंड ऑफ द आर्टिफिशियल वजाइना होस एंड फैस्टेंड बाई ए रबर बैंड, यहाँ पे जो सेमेन कलेक्शन ट्यूब होता है उसको फिक्स किए जाते हैं और उसका जो नैरो एंड होता है उसको आर्टिफिशियल वजाइना का जो होस होता है वहाँ पे एक रबर बैंड से फैस्टेंड किए जाते हैं। द इनर साइड ऑफ द रबर लाइनर ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द आर्टिफिशियल वजाइना इज लुब्रिकेटेड विद स्टेराइल जेली टू द लेंथ ऑफ 3 to 4 inches, मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल वजाइना का जो एंटीरियर साइड्स होता है जो मेनली रबर लाइनर से तैयार होता है उसको उसका जो लेंथ होता है वो 3 to 4 inches के आसपास होता है और उसको लुब्रिकेट किए जाते हैं स्टेराइल जेली के थ्रू। एयर इज़ ब्लोन थ्रू द नोसल इन टू वाटर जैकेट, यहाँ पे वाटर जैकेट के अंदर नोसल के थ्रू एयर को ब्लो किए जाते हैं टू क्रिएट प्रेशर इन ईट, और इसके अंदर प्रेशर क्रिएट किए जाते हैं एंड द सेम इज़ एक्सर्टेड टू द रबर लाइनर, और ये सेम प्रोसेस रबर लाइनर के अंदर भी किए जाते हैं टू स्टिमुलेट नेचुरल वजाइना, और उसको नेचुरल वजाइना की तरह स्टिमुलेट करने के लिए किए जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द आर्टिफिशियल वजाइना इज़ टू बी चेक्ड, और इसके बाद आर्टिफिशियल वजाइना का जो टेम्परेचर होता है उसको चेक किए जाते हैं एट ईच कलेक्शन के टाइम पे ही ये चेक किए जाते हैं एंड इट शुड स्टिमुलेट नेचुरल वजाइना एट माउंटिंग टाइम, और ये माउंटिंग का जो टाइम होता है उस टाइम पे नेचुरल वजाइना की तरह स्टिमुलेट करना चाहिए। इफ़ इट इज़ टू कोल्ड इजाकुलेट मे नॉट बी देयर आफ्टर ए थ्रस्ट, अगर वो उसका जो टेम्परेचर होता है आर्टिफिशियल वजाइना का वो बहुत ठंड होता है तो यहाँ पे एक थ्रस्ट के बाद वहाँ पे इजाकुलेट नहीं होता है, और इवन इफ इजाकुलेट इज हेयर इट मे बी कंटेमिनेटेड विद यूरिन एंड बिकम्स अनफिट फॉर यूज़, और अगर यहाँ पे इजाकुलेशन हो भी जाता है तो इसके बाद ये यूरिन के साथ साथ कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है और वो यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है। सीमेन कलेक्शन मेथड, द काउ और डामी इज सिक्योर्ड इन सर्विस क्रिएट, द आर्टिफिशियल वजाइना असेंबल्ड इज एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पेनिस, यहाँ पे आर्टिफिशियल वजाइना का जो एंगल होता है वो पेनिस से 45 डिग्री एंगल पे असेंबल किए जाते हैं एंड द थ्रस्ट इज एट दैट एंगल, और ये जो थ्रस्ट होता है उसको भी इस एंगल पे रखे जाते हैं। द आर्टिफिशियल वजाइना इज़ हेल्ड विद द लेफ्ट हैंड बाय द राइट हैंडेड पर्सन, ये जो आर्टिफिशियल वजाइना होता है उसको एक राइट हैंडेड पर्सन के थ्रू उसका लेफ्ट हैंड पे होल्ड किए जाते हैं एंड व्हेन द बुल माउंट्स द काउ, और उसके बाद वो जो बुल होता है वो जब काउ को माउंट करते हैं द शीथ ऑफ द बुल विल बी ग्रैप्ड बाय द ऑपरेटर, उसके बाद वो बुल का जो शीथ होता है उसको एक ऑपरेटर के थ्रू ग्रैप्ड किए जाते हैं व्हिच डायरेक्टिंग द ग्लैंड ऑफ पेनिस इनटू द आर्टिफिशियल वजाइना, जो डायरेक्ट करते हैं जो पेनिस का ग्लैंड होता है उसको आर्टिफिशियल वजाइना की तरह प्रॉपरली डायरेक्ट करते हैं एंड देन द बुल गिव्स ए थ्रस्ट टू इजाकुलेटर, उसके बाद वो जो बुल होता है वो इजाकुलेट के लिए एक थ्रस्ट वहाँ पे देते हैं। द ऑपरेटर शुड एविंस केयर सो दैट not to touch the exposed part of the penis. After the bull dismounts, the artificial vagina is taken off from penis. और उसके बाद जब वो bull dismounts कर देते हैं तब वो artificial vagina को penis से dismount किए जाते हैं and the air vent is opened to release the pressure from the jacket. और उसके बाद वो जो jacket होता है water jacket उसके ऊपर जो air vent होता है उसको open किए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो pressure होता है उसको release कर देने के लिए। The water from the jacket is also drained by opening the nozzle. और इसके बाद जो वाटर जैकेट के अंदर जो वाटर होता है उसको भी नोसल के थ्रू ड्रेन किए जाते हैं दिस अलाउज द इजाकुलेट टू फ्लो फ्रॉम द कोन टू द सीमेन कलेक्शन ट्यूब, और ये क्या करते हैं ये वाटर जैकेट के अंदर जो सीमेन होता है उसको सीमेन कलेक्शन ट्यूब के अंदर वो फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं। द सेमेन कलेक्शन ट्यूब इज़ डिटैच फ्रॉम द कोन, और उसके बाद ये जो सेमेन कलेक्शन ट्यूब होता है उसको कोन से डिटैच किए जाते हैं प्लाक्ड विद कॉटन वूल, और उसके बाद उसको कॉटन वूल से प्लाक्ड किए जाते हैं एंड
टेकन टू द लेबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन, और उसके बाद उसको एग्जामिन करने के लिए लेबोरेटरी पे लिए जाते हैं। द रबर कोन एंड द सीमेंट कलेक्शन ट्यूब कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्टेमिनेशन और हीट और हायर टेम्परेचर बाई कवरिंग विद एंड इंसुलेशन बैग विद जीप। ये जो कलेक्शन ट्यूब होता है, सीमेंट कलेक्शन ट्यूब, और उसके साथ साथ जो रबर कोन होता है, उसको जो एक्सटर्नल कॉन्टेमिनेशन होता है, जो हीट होता है, जो हायर टेम्परेचर होता है, उससे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसुलेशन बैग के अंदर रखे जाते हैं, जिस बैग के अंदर एक जीप होता है। सीमेन स्टोरेज, देयर आर टू मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग सीमेन। यहाँ पे सीमेन स्टोरेज करने के लिए दो मेथड्स होता है, और एक है ड्राई आइस मेथड एंड दूसरा है अल्कोहल, एक है ड्राई आइस एंड अल्कोहल मेथड, जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो -100°F होता है, और दूसरा होता है लिक्विड नाइट्रोजन मेथड, जिसका अंदर टेम्परेचर होता है -320°F। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ प्रेफर्ड बिकॉज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ फर्टिलिटी डिटेरियोशन विद एज। मतलब यहाँ पर जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेस्ट होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का जो प्रोसेस होता है, उसको ही यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। फर्टिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइंस इन सीमेन स्टोर्ड इन ड्राई आइस अल्कोहल। ये जो ड्राई आइस अल्कोहल होता है, अगर वहाँ पे सीमेंट को स्टोर किए जाते हैं, तब जो फर्टिलिटी का रेट होता है वो ग्रेजुअली डिक्लाइंस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन को ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। फ्रोजन सीमेन कैन बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली इफ प्रॉपर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। मतलब यहाँ पे जो सीमेन होता है, इसको प्रॉपरली फ्रोजन किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं, अगर वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तब। फ्रेश लिक्विड सीमेन कैन बी सक्सेसफुली स्टोर्ड फॉर 1 to 4 days एट 40°C। मतलब यहाँ पे जो फ्रेश और लिक्विड सीमेन होता है, उसको हम प्रॉपरली 1 to 4 days के लिए स्टोर कर सकते हैं, अगर वहाँ पे टेम्परेचर 40°C हो जाता है तब। सीमेन इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन ग्लास एम्पियल्स, और उसके बाद ग्लास एम्पियल्स के अंदर यह जो सीमेंस होता है, उसको स्टोर किए जाते हैं। अदर मेथड दैट अपीयर्स प्रॉमिसिंग इज़ द फ्रेंच स्ट्रॉ, और उसके साथ साथ जो अदर मेथड्स होता है वो है फ्रेंच स्ट्रॉ मेथड। आर्टिफिशियल कलरिंग इज़ फ्रीक्वेंटली एडेड टू सीमेन एक्सटेंडर्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश वन ब्रीड फ्रॉम अनदर। यहाँ पे आर्टिफिशियल कलरिंग यूज़ किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं सीमेन के साथ साथ, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रीड्स के साथ साथ दूसरा ब्रीड्स का जो सीमेन होता है वो उसको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करने के लिए ये किए जाते हैं। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुल इज़ रिक्वायर्ड ऑन ईच इंडिविजुअल सीमेन कंटेनर, और वहाँ पे प्रॉपर जो ब्रीड होता है उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे लिखे जाते हैं। द एडिशन ऑफ ग्लिसरल टू द डाइल्यूएंट मेक्स द सेल मोर रेजिस्टेंस टू द रिगोरस ऑफ फ्रीजिंग एंड आइसी क्रिस्टल्स विच फॉर्म आर स्मॉलर एंड स्मूथर, दस क्रिएटिंग लेस डैमेज टू द स्पर्मेटोजोआ। और ये करने के लिए जो स्पर्मेटोजोआ होता है, उसका डैमेज का जो क्वान्टिटी, उसका डैमेज का जो रेट होता है वो लेस हो जाता है। द एडिशन ऑफ फ्रुक्टोज टू द डाइल्यूएंट लिप्रोसेस फॉर्म रेजिस्टेंस टू ग्लाइसरॉल एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पे जो फ्रुक्टोज को उसके साथ साथ एडिशन किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस फॉर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रोजन सीमेन इज पैक्ड इन सिंगल डोज ग्लास वायल्स ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉस एट +5°C। ये जो फ्रोजन सीमेन होता है, उसको एक प्लास्टिक और नहीं तो एक ग्लास वायल्स के अंदर पैकेजिंग किए जाते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ +5°C के आसपास। द फाइनल लेवल ऑफ ग्लिसरल शुड बी 7.0 to 7.6% ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस। और ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो ग्लिसरल का लेवल होता है वो 7.0 to 7.6% के आसपास होता है। द एंटीबायोटिक्स आर एडेड टू इनहिबिट बैक्टीरिया एंड टू किल पैथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी ऐड किए जाते हैं, क्योंकि उसका अंदर जो बैक्टीरिया होता है और जो ऑर्गेनिजम्स होता है, उसको प्रॉपरली किल करने के लिए। द सीमेन टू बी डाइल्यूटेड इन सच ए वे दैट 1 ml ऑफ एक्सटेंडेड सीमेन विल कंटेन 20 million मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। और वहाँ पे 1 ml सीमेन के अंदर 20 million मोटाइल स्पर्मेटोजोआ होता है। द सीमेन मस्ट बी कूल्ड केयरफुली फॉर स्पर्मेटोजोआ टू रिमेन विथ लाइफ। वहाँ पे जो सीमेन होता है, उसको प्रॉपरली बहुत केयरफुली कूल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो स्पर्मेटोजोआ होता है, उसका जो लाइफ होता है, उसको प्रॉपरली रिमेन करने के लिए। द फाइनल टेम्परेचर इज़ लोअर टू -79°C और स्टिल लोअर। और वहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ होता है, जो सीमेन होता है, उसका जो फाइनल टेम्परेचर होता है, उसको -79°C और उससे भी लोअर टेम्परेचर पे उसको रखे जाते हैं। क्विक फ्रीजिंग इज़ डन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 minutes टू -75°C विद द हेल्प ऑफ एटमोसफियर क्रिएटेड बाई लिक्विड नाइट्रोजन। वहाँ पे क्विक फ्रीजिंग किए जाते हैं 3 to 5 minutes के लिए, और वहाँ पे टेम्परेचर को रखे जाते हैं -75°C के आसपास तक। इन द स्लो फ्रीजिंग टेक्निक कूलिंग इज डन एट द रेट ऑफ 1°C पर मिनट फ्रॉम +5°C टू -15°C। और वहाँ पे जो स्लो फ्रीजिंग मेथड्स होता है, वहाँ पे पर एक
वहाँ पे पर 1 मिनट के लिए 1 डिग्री सेल्सियस रेट का जो टेम्परेचर होता है उसको फ्लक्चुएशन किए जाते हैं, और वो जो टेम्परेचर होता है उसको +5 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट किए जाते हैं। फ्रॉम -15 डिग्री सेल्सियस टू -31 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और उसके बाद उसको -15 डिग्री सेल्सियस से -31 डिग्री सेल्सियस तक 2 डिग्री पर मिनट रेट पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन किए जाते हैं, और उसके बाद फ्रॉम -31 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 4 to 5 डिग्री पर मिनट, और उसके बाद वहाँ पे -31 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस रेट 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक एट द रेट ऑफ पर मिनट्स 4 to 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन किए जाते हैं, दस टेकिंग 40 मिनट्स इन टोटल, और यहाँ पे टोटल जो टाइम लेते हैं वो 40 मिनट्स के आसपास हो जाते हैं। फर्दर कूलिंग टू -96 डिग्री कैन बी डन क्विकली एज इट इज़ नॉट क्रिटिकल आफ्टर फ्रीजिंग, और उसके बाद उसको रैपिडली कूलिंग किए जाते हैं और उसका टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बिफोर फ्रीजिंग द डायल्यूटेड सीमेंट इन इक्विलिब्रेटेड फॉर 3 to 5 आवर्स और फॉर द बेस्ट 16 to 20 आवर्स पीरियड इन रेफ्रिजरेशन एट 5 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद वो जो सीमेंट होता है उसको 3 to 5 आवर्स के लिए, और नहीं तो 16 to 20 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखे जाते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन प्लेस ए वाइटल रोल फॉर स्टोरिंग द फ्रोजन सीमेंट स्ट्रॉस एट ए टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और वहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो जो फ्रोजन सीमेंट्स होता है उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन्स को भी ऐड किए जाते हैं। इंसेमिनेशन मेथड, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेमिनेशन इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, दैट्स पिक्यूलियम मेथड, वेजाइनल मेथड एंड रेक्टो वेजाइनल मेथड। मतलब यहाँ पे जो इंसेमिनेशन मेथड्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, एक होता है स्पिक्यूलियम मेथड, एक है वेजाइनल मेथड और तीसरा है रेक्टो वेजाइनल मेथड। तो एट फर्स्ट स्पेक्ट्रम मेथड, इन दिस मेथड स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन द वेजाइना ऑफ द काउ, ये जो मेथड होता है वहाँ पे काउ का जो वेजाइना होता है उसके अंदर स्पेक्ट्रम को रखे जाते हैं, विच प्रोवाइड्स पैसेज आउटसाइड टू द साइट ऑफ इंसेमिनेशन, जो एक्स्ट्रा पैसेज हमको प्रोवाइड करते हैं इंसेमिनेशन के टाइम के लिए। देन इंसेमिनेटिंग ट्यूब इज पास्ड थ्रू द स्पिक्यूलम, और उसके बाद स्पिक्यूलम के थ्रू ये जो इंसेमिनेटिंग ट्यूब होता है उसको पास किए जाते हैं, एंड सीमेन इज डिपॉजिट एट द सर्विस, और उसके बाद जो सीमेन होता है उसको सर्विस के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टो वेजाइनल मेथड, इन कैटल द सेफ एंड बेस्ट मेथड इज बेस्ट मेथड ऑफ इंसेमिनेशन इज रेक्टो वेजाइनल मेथड ऑफ इंसेमिनेशन। मतलब यहाँ पे जो कैटल के अंदर जो इंसेमिनेशन का मेथड होता है उसके अंदर सबसे बेटर जो मेथड होता है और सेफ जो मेथड होता है वो है रेक्टो वेजाइनल मेथड ऑफ इंसेमिनेशन। काउ विच इज इन हीट इज वेल कंट्रोल्ड, प्लेसिंग इट इन ए ट्रेविस, द इंसेमिनेटर विल गेट रेडी बाई वेयरिंग ए प्लास्टिक एप्रॉन, गम्बूट्स एंड ग्लव्स। ये जो इंसेमिनेटर होता है उसको रेडी किए जाते हैं प्लास्टिक एप्रॉन, गम्बूट्स एंड ग्लव्स के थ्रू। द सेमेन स्ट्रॉ आफ्टर थ्रोइंग, that is keeping the semen straw in warm water for a minute to convert the free semen into liquid and sperms become motile। मतलब ये जो फ्रोजन सीमेन होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए इसको हीटेड किए जाते हैं, और उसके बाद क्या किए जाते हैं, इट इज लोडेड इन ए स्क्रिक्टो वेजाइनल मेथोडलाइज AI, that is artificial insemination gun covered with a plastic sheath। मतलब इसको डाइल्यूट करने के बाद इसको जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो गन होता है उसके अंदर इस डाइल्यूट सीमेन को फिल किए जाते हैं और इसको कवर्ड किए जाते हैं एक प्लास्टिक शीथ के थ्रू। द इंसेमिनेटर विल इंसर्ट द ग्लव्ड लेफ्ट हैंड इन टू द रेक्टम आफ्टर अप्लाइंग द सॉफ्ट सोप और अदर लुब्रिकेंट ऑन द ग्लव्स एंड बैक रैक्ट द एनिमल। मतलब यहाँ पे जो ग्लव्स होता है उसको प्रॉपरली सॉफ्ट सोप और नहीं तो अदर लुब्रिकेंट्स पहले वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद उस इंसेमिनेटर को उस पार्ट्स के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, मतलब डिपॉजिट किए जाते हैं। एंड द हैंड इज़ फर्दर इंसर्टेड एंड विल कैच होल्ड द सर्विक्स थ्रू आउट द रेक्टल वॉल, और उसके बाद वो जो हैंड होता है हैंड के ऊपर जो ग्लव्स होता है उससे वहाँ पे जो रेक्टल वॉल होता है उसको कैच आउट किए जाते हैं, और वहाँ पे जो सर्विस होता है उसको होल्ड किए जाते हैं। द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन GUN गन लोडेड विथ स्पर्म स्ट्रॉ इज पास्ड थ्रू द वाल्वा टू वेजाइना एंड सर्विक्स एंड ऑब्जर्व्ड विथ द हैंड इन रेक्टम दैट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन रीचेज द सर्विस, और उसके बाद वो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन होता है जिसके अंदर स्पर्म को लोड किए जाते हैं उसको वाल्वा और वेजाइना का उसका जो उस उसको वेजाइना और सर्विस का जो वाल्वा होता है उससे पास किए जाते हैं, और उसके बाद वो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन होता है उसको सर्विक्स तक
सर्विक्स तक रिजेस किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे पहुँच जाने के बाद क्या किए जाते हैं, उसके बाद वो जो सीमेंट होता है उसको इंजेक्ट किए जाते हैं उस गन के थ्रू, और उसके बाद उसको प्रॉपरली डिपॉजिट किए जाते हैं, और आफ्टर दैट उस गन को वहाँ से रिमूव किए जाते हैं, और प्रॉपरली वो जो एम्प्टी स्ट्रॉ और शीट होता है उसको प्रॉपरली डिसऑर्डर भी किए जाते हैं। लास्ट है वेजाइनल मेथड, हैंड इज़ पास्ड थ्रू द वेजाइना, यहाँ पे वेजाइना के अंदर हैंड को पास किए जाते हैं, और उसके बाद जो इंसेमिनेटिंग ट्यूब होता है उसको हैंड से प्रॉपरली गाइड किए जाते हैं, और जो इंसेमिनेशन ट्यूब के अंदर जो सीमेन होता है उसको वहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं। हियर देयर इज़ ए रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन एंड इंजरी ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क हो जाता है क्योंकि कॉन्टेमिनेशन के टाइम पे फीमेल जेनिटेलिया का यहाँ पे इंजरी भी हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।